हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज ये नेहा गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन 3 ऑफ आवर जीएसटी कोर्स। सेशन 1 और 2 में हमने जीएसटी का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें फर्स्ट में हमने हिस्ट्री और सेकंड में फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी कवर किया, और सेशन 3 के साथ हमारा जीएसटी का इंट्रो कंप्लीट हो जाएगा एज पर आवर सिलेबस। तो जो सेशन 3 है, इसके अंदर आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हैव ए ग्लैंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएसटी कॉमन पोर्टल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन कंपनसेशन सेस, देन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ जीएसटी, जीएसटी के लॉ में कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं उसको, फिर जीएसटी के बेनिफिट्स के, जीएसटी के बेनिफिट्स किस तरीके से डिफरेंट सेक्शंस को हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे एक हम लुक अपने डालेंगे कि किस तरीके से जीएसटी का जो लेजिस्लेशन है हमारे बीच में आया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आवर सेशन, लेट अस बिगिन नाउ। जीएसटी कॉमन पोर्टल, जीएसटी के आने के साथ जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक जीएसटी का कॉमन पोर्टल सभी के सभी स्टेक होल्डर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया। जो ये जीएसटी का कॉमन पोर्टल है, इसका जो वेबसाइट है वो है www.gst.gov.in। दिस इज अ वेबसाइट मैनेज्ड बाय जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क, जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया है ताकि सभी के सभी यूजर्स को एक यूनिफॉर्म इंटरफेस मिल सके। उसमें चाहे टैक्स पेयर हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट, तो यहाँ पर जो एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है, इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एक डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करने का यहाँ पर मौका मिलता है। तो सभी के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उधर से किसी को टैक्स पे करना है, किसी को टैक्स रिसीव करना है, उधर से बैंक्स हैं, उधर से गवर्नमेंट्स हैं, सबके इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इस कॉमन पोर्टल पर, एक सिंगल पोर्टल पर लाने की कोशिश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की है। बहुत अच्छे से ये जो कॉमन पोर्टल है, ये जो जीएसटी का पोर्टल है, प्लान किया गया है, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसके टेक्नोलॉजी है, अभी इसमें हालांकि टाइम टू टाइम कुछ बग्स देखने को मिलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि टाइम टू टाइम रिजॉल्व भी की जा रही है, बट अदरवाइज आप देखो तो ये बहुत ही अच्छे इंटरफेस के साथ, बहुत ही कन्वीनियंट यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, ये यूजर फ्रेंडली ये पोर्टल प्लान किया गया है। तो ये लिंकेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट स्टेट्स को, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट्स को, सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज को, टैक्स पेयर्स को, बैंक को, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो इसके अंदर जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स ऑफिशियल्स हैं, जो बैंक्स हैं, जो अकाउंटिंग अथॉरिटीज हैं, इन सब के लिए एक इकोसिस्टम प्रोवाइड किया गया है। देन एक आता है कंपेंसेशन सेस। आप बार बार से टर्म सुनोगे कंपेंसेशन सेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, जो कि हम ऑलरेडी डिटेल में सेशन 2 में कवर कर चुके हैं। तो एक रिक्वेस्ट भी मैं आपसे करूंगी कि अगर आप डायरेक्टली सेशन 3 पर हो तो काइंडली आप सेशन 1 और 2 पर जरूर जाइए, क्योंकि जब तक आप सेशन 1 और 2 गो थ्रू नहीं करोगे, आपको सेशन 3 में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि जीएसटी कोई भी कोर्स इंपैक्ट जो भी होता है, उसकी जो चीज़ें होती है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं, जो कि हर सेशन में रिपीट करना एक हद तक पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं बोल रही थी कि जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी है, वो हमने ऑलरेडी कवर की। एक और एलिमेंट जीएसटी के फ्रेमवर्क का ही है कंपेंसेशन सेस, जो कि आप जब भी टैक्स, जैसे अभी हमने पोर्टल देखा, तो पोर्टल के थ्रू ही हम अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं। जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होगे तो बार बार सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीजीएसटी, यूटीजीएसटी के साथ कंपेंसेशन सेस के लिए भी एक कॉलम देखोगे, जो कि ज़्यादातर केसेस में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जिन केसेस में अप्लाई होता है तो वहां पर वो टैक्स भी आपको पे करके फिल करना होता है। तो ये है क्या, जो कॉम्पेंसेशन सेस है, इट्स अ कॉम्पेंसेशन, यू कैन से इन जनरल टर्म, यू कैन से इट्स अ कॉम्पेंसेशन पेड बाय और गारंटीड टू बी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को जो जीएसटी इम्प्लीमेंट करने की वजह से
देखिए हमने अपने सेशन 1 और 2 में देखा कि जो जीएसटी हमने इम्प्लीमेंट किया है उसके बाद से बहुत सारे जो स्टेट टैक्सेस हैं वो आकर इंटीग्रेट होकर जीएसटी में मिल गए हैं, यानी वो खत्म हो गए हैं। अब उनके खत्म होने से जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको ये डर था एक कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाएगा इतने सारे टैक्सेस जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको प्रॉमिस किया कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपका टैक्स कलेक्ट होगा और अगर नहीं होगा तो उसकी रिकवरी के लिए हम एक कंपेंसेशन सेस लगाएंगे जो कि आपको अकॉर्डिंगली पे किया जाएगा और ये जो टैक्स है इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपेंसेट करेगा जो कि लॉसेस उनको जीएसटी के अप्लाई होने से हो सकते हैं। ये जो सेस है ये किन आइटम्स पे लगाया गया, हम डे टू डे की आइटम पे लगाना तो कॉस्टली पड़ता, तो इस जो सेस को है लग्जरी आइटम्स पे लगाया गया और डीमेरिट गुड्स पे लगाया गया। डीमेरिट गुड्स लाइक टबैको हो गया, लग्जरी आइटम्स लाइक मोटर कार हो गई, तो इस तरीके की आइटम्स पे इसको चार्ज किया जाता है। और जो कंपेंसेशन सेस है ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन पे भी लगता है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन पे भी लगता है और इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स को जो लॉस ऑफ रेवेन्यू है उसको कंपेंसेट करने में हेल्प कर। जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ जीएसटी। हमने लॉ ऑफ जीएसटी में बोला कि ऑन ऑल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तो कुछ सप्लाईज ऐसी हैं जिनके ऊपर जो ये जनरल रूल है उससे थोड़ा सा हट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई होते हैं। उसमें है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन है इसकी जो पावर है वो अभी भी स्टेट के पास है। देन आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड ATF। ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये जीएसटी के अंदर कवर तो किए गए हैं लेकिन इनकी एक डेट डिसाइड की गई है कि जिस डेट से जीएसटी काउंसिल बोलेगी कि इन पे जीएसटी लगेगा तो उस डेट से लगेगा जो कि अभी पेंडिंग है। देन आता है एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज। तो जो लोकल बॉडीज एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी उसकी पावर अभी भी लोकल बॉडीज के पास ही छोड़ दी गई है। देन आता है टबैको। टबैको को विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी है लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी इसमें साथ के साथ टबैको के ऊपर लग रही है। तो टबैको के ऊपर देखो एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है, जीएसटी भी है और उसके अलावा जो अभी हम कंपेंसेशन से इसकी बात कर रहे थे वो भी है। तो इतना कॉस्टली फिर भी जिनको हैबिट है उसको बाय करेंगे। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि लोग किसी भी चीज के इंजरियस इफेक्ट जानते हुए भी कई बार हैबिट्स की वजह से छोड़ नहीं पाते हैं। देन आता है बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी लोग के डिफरेंट जो कंसेप्ट के टाइम पर या दूसरे टैक्स की डेफिशिएंसीज के टाइम पर हम बार बार जीएसटी के जो फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं वही उसके बेनिफिट्स हैं। जीएसटी की जो बात है वही उसकी खास बात है, यही तो जीएसटी की बात है। मतलब जो जीएसटी की बेनिफिट्स हैं अगर आप देखो तो उसके फीचर्स से ही निकल आते हैं। जीएसटी क्या है, इट्स अ वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक बेनिफिट है कि वैल्यू के एडिशन पर लगता है। जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, ये एक इसका बेनिफिट है। जीएसटी में चेन ब्रेक नहीं होती, ये इसका बेनिफिट है। जीएसटी के अंदर सारे जो टैक्सेस है वो सब्ज्यूम हो गए हैं, ये इसका बेनिफिट है। और इसी इन सब बेनिफिट्स की वजह से डिफरेंट सेक्शन को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बेनिफिट ये दे रहा है। तो आइए देखते हैं बेनिफिट्स टू इकोनॉमी क्या है और ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए क्या बेनिफिट है, सिंप्लीफाइड कैसे हुआ टैक्स स्ट्रक्चर और इजी टैक्स कंप्लायंस में कैसे हेल्प करता है। बेनिफिट्स टू इकोनॉमी को ऑब्वियसली एज अ होल अगर हम देखें कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ है, राइट। जो चेन ब्रेक होती थी वो बंद हो गई है। तो क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, एक बड़ी नेशनल मार्केट के रूप में इंडिया उभर के आया क्योंकि पहले डिफरेंट लोकल बॉडीज के डिफरेंट टैक्स होते थे, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने ही लेवल पर अलग अलग टैक्सेस लगाती रहती थी, तो जो बहुत सारे टैक्सेस अब खत्म हो गए उनकी जगह पर एक सिंगल टैक्सेशन आ गया है। तो एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट के रूप में इंडिया उभर के आया है। उसके अलावा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा मिला है क्योंकि जीएसटी है, जीएसटी के आने के साथ ही कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ, राइट। चेन ब्रेक होनी खत्म होगी, तो
जब वो क्रेडिट की चेंज चलती आ रही है, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, तो चीजें सस्ती हो गई है इंडिया में बनने वाली। तो अब आप बाहर से जो चीज आपको अपनी कंट्री में चीपर मिल रही है, तो आप वो बाहर से क्यों खरीदोगे? तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बेनिफिट मिला है। एनहेंस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जब इंडिया के अंदर बनाना चाहता है कोई, उसको खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी गो अलोंग, तो एम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ बढ़ी है। देन है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स होते थे डिफरेंट, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, तो वो उन टैक्सेस की जगह पर सिर्फ एक लो के बारे में आप जानना है, जिसकी हम स्टडी भी कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, आज अगर जीएसटी की स्टडी कर रहे हैं, तो आप कितने सारे पुराने टैक्सेस की स्टडी की जगह पर इसको रिप्लेस कर रहे हो। तो अब आप सिर्फ एक कोर्स कवर करोगे, तो आपको इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम आपका कवर हो जाएगा। तो ये इसकी एक खास बात है फॉर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप इन जनरल देखो, तो ये सिंप्लीफाई सबके लिए हो गया है, उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुई है, और 13 टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थे टैक्सेशन अथॉरिटी से, उनको भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इजी हो गया है, क्योंकि जो चीजें हैं, जो समझना है, जो प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, वो इजी हो गए हैं। देन इजी टैक्स कंप्लाइंसेस, टैक्स कंप्लायंस इजी हो गया है। किसी भी चीज का कंप्लायंस करने के लिए उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, और नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक तरीके से होने के लिए उसका सिंप्लीफिकेशन जरूरी है, और वो सिंप्लीफिकेशन जीएसटी के अंदर है। इसका एक रीजन तो ये है कि बहुत सारे टैक्सेस की जगह पर एक टैक्स है। दूसरा रीजन आप ये बोल सकते हो कि हमने अभी जैसे सेशन के स्टार्टिंग में कॉमन पोर्टल देखा जीएसटी का है। जब आपको एक कॉमन पोर्टल मिलता है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड होती है, ऑटोमेटेड प्रोसीजर होते हैं, जैसे आप सी जीएसटी डालते हो, आपका एस जीएसटी का ऑप्शन दिख जाता है, मतलब बहुत कुछ इसके अंदर ऑटोमेटेड ही रिफ्लेक्ट होता है। तो इस वजह से आपका जो टैक्स कंप्लायंस है वो इजी हो जाता है, और क्योंकि बहुत सारी रिटर्न्स की बजाय आपको एक रिटर्न फाइल करनी है, बहुत सारे टैक्स की बजाय एक ही जगह पे पे करनी है, बहुत सारी बुक्स की बजाय आपको कम बुक्स मेंटेन करनी है, तो आपका जो टैक्स कंप्लायंस का जो बर्डन है, जो कॉस्ट है, वो भी कम हुई है। ट्रेड और इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट हुआ है? जब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एज अ होल इकोनॉमी के अंदर आ गया है, इंडियन इकोनॉमी अगर बूस्ट हुई है, तो ऑब्वियसली ट्रेड और इंडस्ट्री का उसमें भागीदारी रहेगी। जो एग्रीकल्चर है, जो इंडस्ट्री है, उसको बेनिफिट मिला है। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग, कैस्केडिंग खत्म हो गई है, और बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर एंड एंटरप्रेन्योर डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू जीएसटी लो के अंदर दुनिया भर की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो कि स्मॉल ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट देती हैं। तो इस वजह से ट्रेड और इंडस्ट्री को फायदा हुआ है। देन आइए एक स्टडी कर लेते हैं जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। देखिए, इंडिया इज अ थ्री टायर फेडरल स्ट्रक्चर, ये हमें पता है कि इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट मिलकर काम करती हैं, और इसी तरीके से इन सबकी तीनों की तीनों गवर्नमेंट्स की पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो आर्टिकल 246 है, ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को इनके रिस्पेक्टिव पावर्स, रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज प्रोवाइड करता है, राइट? तो जो ये आर्टिकल 246 है, इसके अंदर एक सेवंथ शेड्यूल है। ये शेड्यूल क्या डिसाइड करता है कि कौन से मैटर्स यूनियन लिस्ट में आएंगे, कौन से स्टेट लिस्ट में आएंगे और कौन से कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। तो देखिए, यूनियन लिस्ट में कौन से मैटर आते हैं, जिसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक्सक्लूसिव राइट है, यानी इन मैटर्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी राइट नहीं रखती, उनको कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं दी गई है। सेकेंडली आते हैं स्टेट लिस्ट के मैटर्स। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्सक्लूसिव पावर दी गई है कि उससे रिलेटेड डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती। थर्ड लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को पावर दी गई है टू मेक लॉज, राइट? तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट एक जनरल लिस्ट है जो कि बताती है इसमें यूनियन गवर्नमेंट की पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, इसमें दोनों की पावर है। तो जो जीएसटी आया, वो एक आर्टिकल 246A
इनेक्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाय द एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज बाय सेंट्रल और स्टेट। तो इसके अंदर पावर्स लिखी हुई है कि सेंटर को ये पावर है, स्टेट को ये पावर है। और ये जो आर्टिकल 246A है ये जीएसटी से रिलेटेड है, ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। जो स्पेसिफिक प्रोविजन होता है, अगर आपने अपना लॉ का सब्जेक्ट रीड किया हो, ये जो इसका जो नॉट विथस्टैंडिंग इफेक्ट होता है, ओवर रूलिंग जो इफेक्ट होता है, ये इसको जो जनरल प्रोविजन है उनको ओवर राइड करने की पावर देता है। तो जो आर्टिकल 246 है इसके अंदर जो लिस्ट है ये एक जनरल पावर देती है, ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, ये सेंट्रल की है, ये दोनों की है। लेकिन अगर उनका कोई प्रोविजन इसके प्रोविजन से डिफेंड कर रहा है तो यहाँ पे ये ओवर रूल करेगा आर्टिकल 246A इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। इसके अलावा जो आर्टिकल 254 है इसके उसके ऊपर भी इसका ओवर राइडिंग प्रोविजन है। जो आर्टिकल 254 है ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट जो करता है, मेड बाय पार्लियामेंट बताता है। लेकिन इन दोनों के दोनों प्रोविजन के ऊपर आर्टिकल 246A जीएसटी का ओवरराइड करेगा और 246A के अकॉर्डिंग जीएसटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पावर्स दी गई है। तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जीएसटी। और ये हमारा सेशन 3 था जिसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स छोटे छोटे कवर किए, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी जाने की, किस तरीके से डिफरेंट सेक्शंस बेनिफिट उठा रहे हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट उठा रही है, इकोनॉमी बेनिफिट उठा रही है, किस तरीके से सिंप्लीफाइड हो गया है, तो और क्या कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी को इंडिया में लेके आया। आई जस्ट होप इट वॉज इंटरेस्टिंग टू नो, आप एक जिस कंट्री में रह रहे हो, जिस लोग को फॉलो कर रहे हो, उसके बारे में जानना ऑब्वियसली आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जरूरी भी है। तो अगर आप सीए स्टूडेंट्स नहीं भी हो, एक टैक्स कंसल्टेंट नहीं भी हो, तो भी अगर आप इस सेशन को, इन सेशंस को कवर करते हो, तो आपकी जो जनरल नॉलेज है टैक्स से रिलेटेड वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आई वुड रिकमेंड यू। एंड तब तक के लिए हम सेशन 4 में अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे क्योंकि इंट्रो कम्प्लीट हो गया है। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हो अगर आगे आने वाले सेशंस आपको चाहिए तो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी इन दैट केस। और सेशंस को इंटरेस्टिंग रखने के लिए, और हम चाहते हैं कि फीडबैक ज़्यादा से ज़्यादा आए सो दैट जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हमारे चैनल पर फॉर स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस टाइप का कोई कोर्स स्टार्ट हो रहा है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके इस कोर्स के थ्रू जो जीएसटी कोर्स से रिलेटेड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपना फीडबैक दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, जो भी जानने वाले हैं और जीएसटी में इंटरेस्टेड है किसी भी वे में, उनसे शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, गुड बाय।